सावधान हो जाइए भाई, कोरोना जैसे लक्षण मिल रहे हैं, वायरल बीमारी फैली है और आपकी चिंता है। बहुत लोग बीमार हो रहे हैं, बहुत लोग बीमार हो रहे हैं, ध्यान रखिए। आज ऑफिस में आया तो पता चला ऑफिस में भी बहुत लोग बीमार हैं, छुट्टी पर हैं, तभी तय कर लिया आपका अपना चैनल आज आपकी सेहत की बात करेगा। और जब अलग अलग शहर के अपने सहयोगियों से बात किया तो पता चला मध्य प्रदेश के कई जिलों में कोरोना जैसी बीमारी फैल रही है, आपको सावधान करना जरूरी है। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा की तस्वीर देखिए, वायरल फीवर से सब बेहाल हैं, परेशान हैं। मरीजों की स्थिति क्या है, अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर क्या कह रहे हैं, सब कुछ विस्तार से दिखाएंगे और सुनाएंगे, क्योंकि मामला सीधे आपके सेहत से जुड़ा है। शुरुआत राजधानी भोपाल से कर लेते हैं। आपको कोरोना का समय तो याद ही होगा, हर घर में खांसी, बुखार, सर्दी जैसे ही लक्षण दिख रहे थे, टेस्ट कराओ तो कोविड पॉजिटिव आता था। 2020-21 में जो लक्षण कोविड पेशेंट में पाए जा रहे थे, कुछ वैसा ही लक्षण अभी देखने को मिल रहा है। लोगों के फेफड़े तेजी से खराब हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि जब लोग निमोनिया, वायरल फीवर से पीड़ित होकर अस्पतालों में आ रहे हैं, तब जांच के बाद यह दिक्कत सामने आ रही है। इसको नया वायरल का नया स्ट्रेन बताया जा रहा है, डॉक्टर ऐसा कह रहे हैं। देश दुनिया के जो डॉक्टर, जानकार डॉक्टर, वो यही बता रहे हैं कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। कोरोना लगातार खुद में बदलाव करता रहेगा और हमेशा इंसानों के बीच रहेगा, और यही वजह है कि मौसम के साथ वायरल फैल रहा है। सुन लीजिए डॉक्टर विजय सक्सेना क्या कह रहे हैं, सुनाइए। हॉस्पिटल में पेशेंट्स कुछ आ रहे हैं जो ट्रैवलिंग की हिस्ट्री, जैसे हमने कोरोना में पाया था कि एक स्थान से दूसरे स्थान और भीड़ भाड़ के एरिया से जो लोग आ रहे हैं उनमें वायरल फीवर के साथ में निमोनिया डेवलप हो रहा है, कोविड टेस्ट करने पे नेगेटिव आ रहा है। सो ये बात पहले भी अगर आप याद करें तो कोविड के दौरान बोली गई है कि वायरस जो होता है वो अपना स्ट्रक्चर बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज करता रहता है। सो वायरस जो है वो अभी चेंज हो गया है, ये कोविड नहीं है, लेकिन कोविड की तरह दूसरे वायरस। रीवा की बात करते हैं, लंबी लंबी मरीजों की लाइन देख लीजिए, यहाँ भी लोग बहुत बीमार हो रहे हैं। मरीजों की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ी संख्या में मरीज पहुँच रहे हैं। अस्पताल आने वाले मरीजों में 70% मरीज वायरल फीवर के मिलते हैं। मौसम में बदलाव के साथ नमी आने से यह समस्या देखने को मिल रही है। एक दिन में 1000 से ज़्यादा OPD वायरल फीवर के ही दिखाई दे रहे हैं, देख लीजिए। ये रिपोर्ट हमारे सहयोगी विवेक तिवारी ने भेजा, दिखाइए जरा लोग कितने परेशान हैं और कितनी बीमारी फैल रही है। वायरल फीवर के नए नए केस आ रहे हैं और कोविड जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। मेरे को 6 दिन से बुखार है लगातार। बहुत वृद्ध हैं या बहुत छोटे बच्चे हैं या कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो इसमें थोड़ा रिस्क ज्यादा रहता है। कल रात में बहुत ज्यादा उल्टी हुआ और सर पूरा चकरा रहा है। भीड़ इतनी है कि जगह पैर रखने की नहीं है। अब जबलपुर की बात कर लेते हैं। जबलपुर में भी रीवा जैसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों से लोग परेशान हैं। हालत यह है कि अस्पतालों में अब मरीजों के लिए जगह नहीं बची, मरीजों को फर्श पर लिटाना पड़ रहा है। स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया और मलेरिया के मरीज भी लगातार सामने आ रहे हैं। इन सब के बावजूद अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू ने जबलपुर से रिपोर्ट भेजी, देख लीजिए। इस समय मौसमी बीमारियों का कहर टूट रहा है कि फर्श पर लेटी हुई है क्योंकि इन्हें बेड नहीं मिला है। बेड नहीं मिला आज 1 महीने से, इतनी दवाई करान बुखार आती रही है। चलिए आप बात ग्वालियर की कर लेते हैं। ग्वालियर में भी उमस भरी गर्मी ने वायरल संक्रमण बढ़ा दिया है, रोगियों को वायरल निमोनिया हो रहा है। संक्रमण के चलते जया रोग और जिला अस्पताल की मेडिसिन OPD में मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लगातार संख्या बढ़ रही है। अस्पताल में 35% मरीज बढ़ गए। हालात ऐसी है कि हर घर में बीमार मिलने लगे। जिला अस्पताल में मेडिसिन में 30% वायरल फीवर के मरीज हैं, बहुत बड़ा आंकड़ा है, देख लीजिए। बच्चे भी सर्दी, खांसी, जुकाम के साथ पीलिया से पीड़ित हो रहे हैं। ग्वालियर में बच्चों के पीड़ित होने का आंकड़ा बता रहे हैं, डायरिया के 20-30, पीलिया के 10-15 और सर्दी खांसी के 40-50% बच्चे शिकार हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं CMHO, सुन लीजिए। जो वायरल इन्फेक्शन है और ये इस मौसम में होता है, बरसात के समय में ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है
इसलिए इस वायरल इन्फेक्शन के फैलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये संख्या बढ़ी है, वायरल फीवर जुकाम बुखार की संख्या बढ़ी है, हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ। मकसद है आपको सावधान करना, बहुत बड़ी समस्या है, हर तरफ लोग परेशान हैं वायरल फीवर से। आने वाले समय में इस वायरल की क्या संभावना है, सुनिए डॉक्टर क्या क्या बता रहे हैं, सुनाइए जरा। कोविड में भी पहले जो एक पहला वाला फेज था वो उतना लीथल नहीं था, सेकंड फेज जब आया था वो इट वाज वेरी लीथल। सिमिलरली वो एक फेज़ है, वो फेज निकलेगा, इसके बाद म्यूटेशन होगा, हो सकता है वो उतना लीथल ना हो। सो ये एक फेजिक यू नो फिनोमेना है। खतरे की घंटी तो है, सावधान आपको करना जरूरी है। कोविड की तरह इसका अगला फेज हो सकता है या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन संभल जाइए भाई। विस्तार न्यूज ने डॉक्टर से विस्तार से बातचीत की है, क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ बता देते हैं, हम तो सब कुछ बता देते हैं। हाथों को साबुन से धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, बिना हाथ धोए हाथ को आँख नाक मुँह पर ना रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, लोगों से उचित दूरी बनाकर रखें, भीड़ भाड़ में ना जाएं। ये सारे प्रोटोकॉल वही हैं जो केंद्र और राज्य सरकार ने जारी किया है। आपके स्वास्थ्य की चिंता है इसलिए बता रहा हूँ, सब कुछ विस्तार से दिखा रहा हूँ।